अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काश। आप देख रहे हैं बर्जवरी चैनल। बर्जवरी चैनल की एक नई और फ्रेश एपिसोड के अंदर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि मंडराइन डक कैसे एगलिंग करती है और इसकी ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है और कितने अंडे देती है ये सालाना। काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि मंडराइन डक के बच्चे आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में इंशाल्लाह आपको आगे बताएंगे। अगर कोई लेना चाहे तो उसके बारे में मुकम्मल डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ इसके साथ ये भी हम एक्सट्रेस में ऐड करेंगे कि मंडराइन डक की जो ब्यूटी होती है वो कब से कब तक होती है, यानी कि ये किसी टाइम पे खूबसूरत होती है, किसी टाइम पे बिल्कुल एक नॉर्मल डक की तरह बन जाती है। जैसा कि अभी आपको नॉर्मली तौर पे देखने में लग रहा होगा कि इसकी अभी इतनी खूबसूरती नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी किसी हद तक है। लेकिन यह कि अगर आप इसको, मैं वीडियोज़ ऐड करूँगा जो हमारी पास पुरानी अपने डक्स की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है ना वो मंडराइन डक की बहुत ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी एज़ टू कम्पेयर इस टाइम के हिसाब से। और इसके साथ आप दोस्तों को इनकी जो नेस्टिंग है वो भी बताएंगे, जहाँ पे ये अंडे दे रही हैं, जिस तरह ये बच्चे निकाल रही हैं, वो पूरा एक प्रोसेस है, वो आप दोस्तों के साथ वीडियो में शेयर करूँगा। इन्होंने कहाँ कहाँ पे अंडे दिए हैं वो भी आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अच्छा, अभी सबसे पहली चीज़ आप दोस्तों को मैं बता दूँ कि ये बेसिकली नॉर्थ कैरोलिना की तरफ से आती है। मतलब ये बेसिकली है समुद्री बर्ड, यानी ना आप इसको वाटरफॉल बर्ड हम कहते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे पे अमूमन ज़्यादातर ये रहती है। जिस एरिया में, जैसे हमारा कराची है, पाकिस्तान के अंदर कराची है या ग्वादर का एरिया, इस तरह के कोई ठंडे एरिए में ये रहती है। हालांकि हमारा कराची और ग्वादर का एरिया तो खैर गर्म है, मतलब यह है कि ये यूरोपियन ब्रीड है और बेसिकली ये ठंडे समंदर में रहने पसंद करती है, ठीक है। और क्योंकि ये एक बहुत सख्त जानदार है और सर्दी जो है काफ़ी हद तक बर्दाश्त करती है। अगर आप पाकिस्तान में इसको नॉर्मली देखें तो बर्फ़ के अंदर भी इसको अगर आप रखना चाहेंगे तो इसको कोई मसला नहीं होगा, और बर्फ़ के अंदर भी ये पानी के अंदर आराम से रह सकती है। गर्मी से थोड़ी सी मुतासर ज़रूर होती है, लेकिन यह कि इसका बेसिक ब्रीडिंग जो सीज़न है वो गर्मियों में ही स्टार्ट होता है और गर्मियों में ये ब्रीड करती है। और इसका जो एक्चुअल ब्रीडिंग सीज़न है वो फेजेंट्स के साथ ही स्टार्ट होता है, या दूसरे जो बर्ड्स हैं हमारे, यानी कि अप्रैल से मई के दरमियान में स्टार्ट हो जाता है। और ब्रीडिंग का इसका जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी बर्ड्स की नस्बत। ये बिल्कुल एक पैरट की तरह ब्रीड करती है, यानी कि एक नेस्टिंग बॉक्स बनाती है, यानी कि नेस्टिंग बॉक्स के अंदर या किसी छोटी सी ऐसी जगह हॉल बना हो वहाँ पर यह ब्रीड करती है, और हाइट पर ब्रीड करती है, यानी नीचे फर्श पर ब्रीड नहीं करती है। और अगर आप फर्श पे ब्रीड करवाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको नेस्टिंग बॉक्स लगाना ज़रूरी होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा इसका एक डेमो भी देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसमें एक इम्पोर्टेड पेयर है जो कि ऑपरेटेड है, ऑपरेटेड से मना दिया कि उसका एक जो फ्लाई विंग है वो हमने ऑपरेट करवाया होता है, जिसकी वजह से ये फ्लाई नहीं कर सकती क्योंकि ये नॉर्मली फ्लाई बर्ड है, यानी कि ये हाइट पे जो है वो फ्लाई करके जाके ब्रीड करता है, तो उस हिसाब से इसके ऑपरेट किया होता है ताकि ये आप ओपन रखे तो फ्लाई ना करे। लेकिन इसकी जो ब्रीड में से कुछ बच्चे आए थे वो हमारे पास फ्लाई बर्ड थे, तो वो है कि अवेयरी के अंदर घूमते रहते हैं और फ्लाई करके बड़े बॉक्सेस के पास पहुंच जाते हैं। लास्ट सीजन में जो इन्होंने ब्रीड की थी वो यहाँ पर बॉक्स था जो हमने उतार दिया है, आपको जगह भी नज़र आ रही होगी, और अभी एक बॉक्स ये लगा हुआ है, ये पैरट्स भी इसके अंदर है और ये पैरट्स के साथ ही ब्रीड कर रही है। और अभी फिर इस दफ़ा हमने थोड़ा सा इनकी चेंजिंग की है मैंने, क्योंकि गर्मी की वजह से ऊपर हाइट पे डेड इन शेल का बहुत मसला आ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर 40 पे जा रहा होता है, इसको 37.8 यानी 38 के राउंड बोर्ड चाहिए होता है, और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो इसको कम अज़ कम जो है वो 80-90 चाहिए होता है। लेकिन आपको पता कि इस वक्त हमारे पास 30 भी बड़ी मुश्किल से आ रहा है, 10-15-20-25 से ऊपर ह्यूमिडिटी लेवल जा ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से एग्स का डेड इन शेल होना बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और डक्स बार बार पानी मांगती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा यानी तालाब या कोई ऐसा पानी का सिस्टम नहीं है प्रॉपर, जिसमें हम इसको बार बार ये पानी में जाए और गीली होकर फिर जाए, तो हमने छोटे छोटे ये इस तरह की परातें रखी हुई हैं जहाँ पे ये पानी में रहती है, लेकिन फिर भी अच्छी ब्रीड कर रही है माशाल्लाह। तो जिस तरह का इसको हमने एनवायरनमेंट दिया हुआ है ये इसके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी ब्रीड कर रही है, तो साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हार्ड बर्ड है। और अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने ब्रीड कहाँ पर की हुई है। ये हमने इसको एक केज दिया हुआ है ओपनली, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके सामने दो बॉक्सेज नज़र आ रहे होंगे, मैं थोड़ा सा पहले पीकॉक्स को बाहर निकालता हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें, और चिकन भी यहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह घूम रही हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये चेक करें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने एग लेइंग की हुई है, और ये नेस्टिंग प्रॉपर इसकी देखिए, अगर आप, ये पैरट बॉक्स है, ये देखिए ये पैरट्स के बॉक्स हैं, तोतों के बॉक्स से होते हैं ना वो वाले बॉक्स हैं, ठीक है। इसमें एक बर्ड ने नेस्टिंग की हुई है, और यहाँ पे इसने और इसके एक सारे फर्टाइल है माशाल्लाह, लेकिन इसमें दो डेड इन शेल हुए हैं वो मैंने अभी उठा दिए हैं, और 13 अंडे इसने दिए थे जिसमें से दो डेड इन शेल थे, और अभी दोबारा फिर इसने एगलिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन ये कि अब साथ में बैठी हुई भी है, तो अभी इसके अंडे पूरे हो चुके हैं 13, तो ये अभी जो है वो साथ में हैच करना शुरू कर देगी। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारे पास ये थोड़ा सा मसला जो है वो एगलिंग के अंदर आता है, और ख़ासतर फर्टिलिटी का इशू आ जाता है। तो ये इसकी इस तरह का देखिए, ये साथ में आपको वूल नज़र आ रही होगी, ये अपने फेदर से वूल उतारती हैं, और वूल उतार के जो है वो एग के आसपास रख के इसको जो है ना वो हैच करती हैं, और लास्ट स्टेज में जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो हमें जो चाहिए होता है वो तकरीबन जो है वो 90-100% चाहिए होता है। अब अगर हम बात करें इनके सर्वाइवल रेट की बच्चों की, तो सर्वाइवल रेट इनका थोड़ा सा कम होता है, यानी कि
जो मेल डक होता है वो अमूमन बच्चों को मारना शुरू कर देता है अगर आप इसको प्रॉपर जगह नहीं देंगे, क्योंकि फीमेल जो है वो बच्चों को पाल रही होती है, मेल थोड़ा अग्रेसिव होता है दोबारा ब्रीडिंग के लिए, तो फीमेल के साथ जो बच्चे होते हैं उनको मारने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये होता है कि आपको जब लास्ट में आप देखें कि बच्चे निकल रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि फीमेल को बच्चों के साथ अलग करना किसी एक अलग केज में, और उस वहाँ पर आप उसको सर्वाइव करवा सकते हैं। क्योंकि जो पहली दफ़ा मेरे पास ब्रीड आई थी उसमें पहला क्लच जो है मेरे पास ज़ाया हो गया था, उसमें हमें समझ नहीं आई, बाद में हमें दूसरे क्लच में पता चला कि मेल जो है वो बच्चों को मार रहा है, तो उसके बाद हमने मेल को निकाल दिया केज से, तो यह है कि फीमेल ने जो है वो बच्चे अच्छे खासे माशाल्लाह ठीक ठाक जो है ना उसमें सर्वाइव करवा लिए थे, और उन्हीं बच्चों में से आज एक माता ने हमारे पास ब्रीड किया, ये माता जो जा रही है। अच्छा, ये जो कलर है इसको बोलते हैं जी अपना ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड डक के नाम से ये मशहूर है, मैंड्राइन डक की म्यूटेशन है, और इसी में से हमारे पास जो है ना वो निकली है। और ओवरऑल ये है कि साल में 2 से 3 क्लच करते हैं, अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और जून तक इनका क्लच टाइम होता है, और अगर आप इनके अंडे उठा लें तो फिर ये आपके पास ज़्यादा ब्रीड करती हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको, क्योंकि अभी हैचिंग का मसला आ रहा है, डेड इनशेल शुरू हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम अंडे उठा के इंक्यूबेटर में लगाएंगे, लेकिन इसके लिए सेपरेट इंक्यूबेटर आपको चाहिए होता है डक के लिए, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी लेवल हमें ज़्यादा चाहिए होता है चिकन की नस्बत, तो इसलिए आपको ये चाहिए कि आप कोशिश करें कि जो इंक्यूबेटर है वो एक सेपरेट डक के लिए लगाएं, और उसमें ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो आप कम से कम 80 रखें और लास्ट डेज में 90 पे ले जाएं, और टेम्परेचर जो है 37.5-37.8 के दरमियान में या 38 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी, और पानी प्रॉपर देंगे तो आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। अब बच्चों की बात आ जाती है, काफ़ी सारे लोग हमसे ऑर्डर मंगवा कर रहे हैं, यानी कि हमें अच्छी ब्रीड चाहिए, तो इंशाल्लाह ब्रीड आई तो आप दोस्तों को देंगे, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कबल वक्त। इसके अलावा एक डक ने हमारे पास अंडे स्टार्ट किए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ब्रूडिंग रूम है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 अंडे पड़ा हुआ है, ये अभी डक ने जो है ना वो अंडे दिए हैं, दूसरी डक जो है वो यहाँ पे, ये मैंने पुराना जो दाना होता है ना, चूरा होता है पैरट्स का, जो चूरा पड़ा हुआ है वो हमने डाल के एक बाल्टी में रखा है, क्योंकि यहाँ पे कूलर पंखा लगा हुआ है, कमरा ठंडा है, तो अगर इसने यहाँ पे नेस्टिंग की, यहाँ पे इसने अगर ब्रूडिंग की, तो ये इसके लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे नीचे भी सेंटे दबाए हुए हैं तो थोड़ा सा ये पड़े रहे, लेकिन यहाँ पर ये ब्रीड अभी कर रही है। तो मुश्किल प्रोसेस ज़रूर है गर्मियों में, क्योंकि इसकी ब्रीड लेना थोड़ा मुश्किल होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप इंडोर सेटअप पे ले जाएं तो फिर आपके पास अच्छी ब्रीड आ सकती है, या जहाँ पे अच्छा खासा पानी हो, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो, तो आपके पास अच्छी डक की ब्रीड आ सकती है। और इसी के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, किसी बारे में आप और कोई टॉपिक हो अगर आप पूछना चाहें तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप दोस्तों ने हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए, सब्सक्राइब कर लें बर्ड्स विद चैनल को, वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में उसमें अपनी राय का जरूर दर कीजिएगा। और डक की दूसरी भी वरायटी जिसी तरह ब्रीड करती हैं, चाहे वो स्वांस की वरायटी हो या कोई गीस वगैरह की वरायटी हो, एस तकरीबन सेम ही उनकी ब्रीड्स होती हैं, सिर्फ ये कि ये वाली जो ब्रीड है ये नेस्टिंग करती है, दूसरी जो है वो ग्राउंड बेस पे जो है ना वो अपना घोंसला बनाती है, लेकिन ये कि ये हाइट बेस पे बनाती है, हाइट के ऊपर यानी बनाती है, और दूसरी जो वो ग्राउंड बेस के ऊपर बनाती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।